तो नमस्कार, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है और ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज प्ले कर रहे हैं वरुण दुबे। तो आज कैसा माहौल लग रहा है ग्लोबली और आपका पर्सनली भी? देखिए, पर्सनली तो मैं दशहरा के लिए वेट कर रहा हूँ। संडे को दशहरा है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ग्लोबली अगर आप माहौल देखें तो ओवरनाइट अगर आप क्यूज देखें तो यूएस मार्केट से क्यूज अच्छे थे, नो डाउट। हरे निशान में हम बंद हुए थे, लेकिन देखिए बिडन और ट्रंप साहब की डिबेट चल रही है। उस डिबेट से अब तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जो मेरे को डायरेक्शन दे। इनफैक्ट अगर मैं डिबेट देखूँ तो डिबेट के लिए मैं ये वेट कर रहा हूँ कि क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, क्या कुछ बिडन साहब कहते हैं। ऐसा कुछ कहते हैं कि वो मार्केट को रिजॉइस करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे स्टिमुलस के ऊपर, वो तो ऐसा लग रहा था कि आज आएगा, कल आएगा, हो सकता है परसों आएगा, नो डाउट। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए डाउ फ्यूचर भी वही संकेत दे रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स का भी यही हाल है। अगर आप देख ले तो निकाल के एसजेक्स निफ्टी निकाल के देख लीजिए, वहाँ भी फ्लैट कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है कुशल, पिछले बार जो इनकी डिबेट हुई थी उसके बाद मार्केट्स में तेज़ गिरावट देखने मिली थी। क्यों? क्योंकि मार्केट्स कुछ एंटिसिपेट कर रहा था, कुछ निकल के आया नहीं। आज भी मुझे वही लग रहा है, एंटिसिपेट लोग कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से इस डिबेट से कुछ कॉन्क्रीट निकल के नहीं आएगा जो कि आपको ये बोले कि या तो स्टिमुलस आने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है। नो डाउट जो ओवरनाइट बेरोजगारी के आंकड़े आए वो थोड़े कम थे, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यूज मिक्स है, सबसे बड़ा क्यू आपको अब ये डिबेट से लेना है कि डिबेट में क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट किस तरह का ट्रेंड लेता है। इसके लिए आज आपको स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है इस डिबेट के बाद कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन कुशल, ग्लोबल के साथ ना लोकल में एक बात देखिए, 9 दिन से DIIs बेचते जा रहे हैं, 9 दिन, और 9 दिन में 12,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली वो कर चुके हैं। हालांकि 4 दिन में FIIs ने खरीदा है 6,500 करोड़ के आसपास, लेकिन ये DIIs की बिकवाली है ना, ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही है। शायद FIIs पुश कर रहे हैं लेकिन DIIs चाहते नहीं कि मार्केट को ऊपर जाना जाए। शायद कुछ पता है DIIs को, इसके लिए बेच रहे हैं, गॉड अलोन लोस। लेकिन 12,000 करोड़ की बिकवाली ये थोड़ी चिंताजनक है। 101% वरुण, इनफैक्ट DIIs के जो आंकड़े हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट्स में जो है स्टेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस लेवल पे स्टेबल हो जाएगा 11,800 11,900 के आसपास, पर कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं बिकवाली के वो एक रशाकशी का माहौल आप कह सकते हैं FIIs और DIIs के बीच में बना हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है आज का बाजार पैन आउट होता है। तो अपनी इनिंग्स की शुरुआत करें वरुण। चले ठीक है, इनिंग्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कैश का स्टॉक मैंने लिया है वो है कोचिन शिपयार्ड। FIIs भले बेच रहे हो, FIIs खरीद रहे हैं, DIIs भले बेच रहे हो, लेकिन कुशल कुछ बड़े निवेशक जो है वो अब चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे राकेश दमानी जी ने 7 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं इस काउंटर के, और खरीदारी किस भाव पे की है? 349 के भाव पे। देखिए, इतना बड़ा नाम अगर किसी स्टॉक में खरीदारी करता है तो अपने आप में वो एक बड़ी बात हो जाती है। वो भी 7 लाख शेयर्स खरीद लेना, यानी कि 6,90,000 एग्जैक्ट अगर मैं आपको नंबर बताऊँ तो इतने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं और 349 के भाव पे खरीदे हैं। याद रखिए, ये जो बड़े निवेशक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं तो 2-5 रुपये के लिए एंट्री नहीं करते हैं, कम से कम 30-40% के लिए एंट्री करते हैं। कल स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, मुझे लगता है आज इस खबर के चलते आपको आज भी इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए आप अगर प्ले करना चाहते हैं तो कीजिएगा, 372 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। 353 का स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस आज आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि ग्लोबली वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है। हालांकि फ्राइडे है तो शायद हमारा मूड अच्छा रहे, लेकिन ग्लोबल मूड क्या रहेगा पता नहीं, इसके लिए स्टॉप लॉस ट्रिक रखना 372 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। बिल्कुल वरुण, और इसी स्पेस से मैंने भी एक स्टॉक चुना है इसी खबर के आधार पर ये इस कैटेगरी में नहीं है, वो अगली जो आने वाली कैटेगरीज है उसमें मैं आपको बताऊंगा। पर बहरहाल अगर आप कैश सूची में मेरा स्टॉक देखें तो वो है वेस्ट कोस्ट पेपर का। कल जब शाम को मैं रिजल्ट्स बना रहा था पोस्ट मार्केट्स, तो उसमें मैंने पुदुमजी पेपर्स के नंबर्स आते हुए देखे और बहुत ही शानदार नंबर्स वरुण आते हुए नजर आए हैं। पेपर स्पेस के लिए आज काफ़ी अहम दिन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इनकी मार्जिन है वो 9.3% से बढ़कर ऑलमोस्ट 16% तक जाती हुई नजर आई है। तो अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको मार्जिन्स में देखने को मिलेगा और मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 36% का उछाल हमें देखने को मिला। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि पुदुमजी पेपर के साथ साथ वेस्ट कोस्ट पेपर ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आज आपको तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट इंटायर पेपर स्पेस जो है आज फोकस में रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। वेस्ट कोस्ट पेपर में 170 का टारगेट रखिए, 162 रुपये का आपको स्ट्रिक्टली ये स्टॉप लॉस फॉलो कर है। इनफैक्ट 2 पेपर स्टॉक्स मैंने भी लिए हैं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि मैंने माय चॉइस में लिए। लेकिन कुशल, फ्यूचर्स में क्या करना है?
बिल्कुल वरुण, तो फ्यूचर्स में जैसे कैश का तुमने आपको बता दिया, पर फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वही स्टॉक है जो आपने कल लिया था, शॉर्ट किया था, वो है पीवीआर का। अब देखिए ये लगातार काउंटर जो है वीकनेस शो कर रहा है, और जिस हिसाब से ग्लोबली, इनफैक्ट अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा नए केसेज वहाँ पर आते हुए नजर आए, तो वो एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा जो है अब हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस की चिंता फैलती हुई नजर आ रही है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ऑल्दो मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं पर अभी भी जो प्रिविलेज गेस्ट है उनका जो रुझान है हॉल सिनेमा हॉल्स पे जाने का, वो कहीं ना कहीं अभी भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पीवीआर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए, आज भी ये काउंटर जो है वीकनेस शो कर सकता है, तो 1140 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1190 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण आपका आज का फ्यूचर? देखिए फ्यूचर्स में मैं एक मेटल स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेटल एज ए स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा बज वहाँ देखने मिल रहा है, स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग पोजीशन लोग लगातार बनाते जा रहे हैं, और मुझे यादें खबरें आई थी कि स्टील कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए, लेकिन उसके बाद नतीजा है, नतीजों के बावजूद लोग इसमें खरीदारी करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रुझान है स्टील कंपनीज को लेके वो काफ़ी सुधर रहा है। इसके लिए इसमें एक लीडर है टाटा स्टील, वहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 411 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 425 के लक्ष्य लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, 400 पास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो देखिए कुशल एक चीज़ है ऑप्शंस में, मैं बेसिकली एक मंदी की पोजीशन लेने की बात कर रहा हूँ और वो है टाइटन में। अगर आप देखें ना कुशल, तो दशहरा आ रहा है, हमेशा ये होता है कि दशहरा के पहले टाइटन का स्टॉक है ना काफ़ी चलता है, क्योंकि लोग इस एंटिसिपेशन में इस स्टॉक को चलाते हैं कि दशहरे की सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, लोग गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन माहौल उसके पहले से बनना शुरू हो जाता है क्योंकि नवरात्रि में खबरें निकल के आती है कि गोल्ड की सेल्स इतनी बड़ी उतनी बड़ी। इस बार आप देखिए एक खबर आपको नहीं मिलेगी गोल्ड की सेल्स के ऊपर, गोल्ड की सेल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है दशहरे के पहले, ना मैंने किसी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर सुना है, तो ये आप साफ दिखा रहा है कि शायद लोग गोल्ड खरीद नहीं रहे। और वैसे भी इसके पहले हम बात कर ही रहे थे कि अब लोग पैसे देके गोल्ड नहीं ले रहे, गोल्ड दे रहे हैं और लोग पैसे ले रहे हैं क्योंकि, और इसका फायदा मुथूट मन्नापुरम जैसी कंपनीज को हो रहा है, तो ये एक ट्रेंड जो है वो देखने मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कल टाइटन का चार्ट निकाल के तगड़ी गिरावट इस काउंटर में देखने मिली, और दशहरे के पहले इस तरह की गिरावट अगर टाइटन में होती है ना तो वो थोड़ी चिंताजनक है। हालांकि जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि दशहरे के पहले स्टॉक वैसे चलता है, लेकिन मैंने जो ट्रेंड देखा है और जो टेक्निकल चार्ट देखा है थोड़ा वीकनेस यहाँ दे रहा है। इसके लिए 1220 का पुट ऑप्शन खरीद के चलिए 28 के लक्ष्य के लिए, 23 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, केवल 1 रुपये नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं और 28 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ। बिल्कुल वरुण, तो देखना होगा कि आज टाइटन में किस हिसाब का रुझान हमें देखने को मिलता है, बट बहरहाल मैंने ऑप्शन कैटेगरी में चुना है बायोकॉन को, फार्मा स्पेस से है, डिफेंसिव स्पेस है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होगा। इनके कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए नजर आए थे और अनुमान से कमजोर नंबर्स हैं, इनफैक्ट जो मार्जिन आए हैं 22.5% के, हमारा अनुमान 25% का था, तो कंपेटिवली काफ़ी कमजोर है, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 174 करोड़ आता हुआ दिखा है, 22.5% की गिरावट इनके मुनाफे में भी आती हुई दिखी है, हमारे मान था वो 234 करोड़ था का था, तो हर पैमाने पर बायोकॉन के नतीजे जो हैं कमजोर साइड पर आते हुए दिखे, तो यहां पर आपको इसमें इसके जो पुट ऑप्शन है 430 का उसको खरीद कर चलना है, ऑलमोस्ट 12 रुपए की प्राइस है, 18 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण मैंने जो आज स्टॉक चुना है वो है इंडसइंड बैंक। आप देखिए कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट्स पर ये बंद होते हुए नजर आए थे और मुझे लग रहा है कि जो गिरावट का मोमेंटम है ये आज जारी रह सकता है। इसमें जिस हिसाब से ग्लोबली हम कोविड की चिंता बढ़ते हुए नजर आ रही है और बैंक निफ्टी खासकर अगर आप देखें तो कल भी थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ नजर आया था और आज भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट जो है बैंकिंग स्पेस में ये लीड करता हुआ दिख सकता है। तो 590 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलना है, 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आपका टेक्नोपिक कौन सा है वरुण? देखिए टेक्निकली मैं भी एक बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन बिकवाली है एक ऑटो एंसिलरी में और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मैं इस कंपनी के चार्ट निकाल के देख रहा था कुशल, इनफैक्ट लगातार इसमें वीकनेस जो है वो बनते जा रही है, कहीं भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि स्टॉक में तेज़ी होगी। इनफैक्ट अगर आप आज देखें तो अगर ग्लोबल मार्केट भी वीक हो गया ना कुशल, तो इस स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं, 1320 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, 1380 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्टॉक की, तो फंडामेंटली मुझे जो काउंटर पसंद आता है वो है PI इंडस्ट्रीज़ का। अगले हफ्ते देखिए इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, पिछले क्वार्टर में आपने देखा था इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे और शायद इस बार भी वो जो बेहतरीन ट्रेंड है वो आपको फिर से देखने मिलेगा। वैसे भी इस पूरे स्पेस की जो कंपनीज है उनके नतीजे काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, तो उसके चलते मेरे ख्याल से आज ही आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इंट्राडे में आपको अच्छा खासा उछाल ये काउंटर दिखा सकता है, 2155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2155 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है।
मेरे ख्याल से 2220 के आसपास के लक्ष्य आपको इंटरडे में देखने मिल सकते हैं, 2120 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो जो नतीजे आ गए हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जो आने वाले और खासकर अगले हफ्ते जो आएंगे ना, उन पे बेट करने का समय आ गया है। इसके लिए पीआई इंडस्ट्रीज को खरीद लीजिए, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। बिल्कुल वरुण, तो अगले हफ्ते आने वाले नतीजों के लिहाज से भी मैंने भी एक स्टॉक पिक किया है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। आपने एचडीएफसी बैंक के नतीजे तो देखे ही थे, वहां पर जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी में हमें सुधार देखने को मिला था, अब मुझे लग रहा है कि जो सबसे कंजर्वेटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस अगर आप बात करें तो वो कोटक महिंद्रा बैंक का है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर इनके जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर आज ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसमें। इनफैक्ट ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक का कैंडिडेट बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली जो है ये स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो है आपको ऑलमोस्ट 10-20% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो 1580 ऑलमोस्ट 20% का अपसाइड मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं यहां पर आपकी जो होल्डिंग पीरियड होगी वो यहां पर 3 महीने की अवधि के लिए होगी। तो ये तो हो गया फंडा पिक हमारा, पर अब हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और वो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने एक बड़ा स्टॉक चुना है प्राइसिंग वाइज अगर आप देखें तो वो है उजियारी स्पेस से पेज इंडस्ट्रीज का। आप देखिए जिस हिसाब से अभी कोविड का जो पूरा इंपैक्ट और जो एनालिसिस अगर हम करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वर्क फ्रॉम होम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनका जो एथलेजर वेयर स्पेस है वो काफी ज्यादा अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आया है। Q1 के नंबर्स में भी उन्होंने ये हाईलाइट किया था और मुझे लग रहा है कि आगे के लिए भी लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इन सब जो ओवरऑल जो इनकी स्पेस है एथलेजर वेयर की उसमें काफी बेहतर ग्रोथ आगे भी आने का जो है अंदेशा लगाया जा सकता है। और अगर आप ओवरऑल इसका हाई भी देखें 52 वीक हाई तो ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास है और मेरे हिसाब से अगले 6 महीनों के लिए आपको यहां पर कम से कम 15-30% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और उसी लिहाज से मैंने ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से चुना है। तो 26,000 के लक्ष्य के लिए 6 मंथ्स की ड्यूरेशन आपको इसमें रखनी है, यह आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद सकते हैं। इनफैक्ट कुशल, जब ये खुलने की खबर आई थी ना कि जिम खुल रहे हैं तो मैं ये सोचा था कि लू क्या, तलवलकर तो अब ऐसा स्टॉक हो गया जिसको आप ले नहीं सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला बेस्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आता है वो पेज इंडस्ट्रीज ही है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके जिम वेयर में काफ़ी यूज़ होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो तब दिमाग में नहीं आया, चलो अब दिमाग में आ गया तो अब हमने एज ए इन्वेस्टमेंट पिक ले लिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन पिक है। चलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं जो स्टॉक लेना चाहता हूँ वो है कैस्ट्रॉल का। आप एक बात देखिए, ऑटोज़ बिक रहे हैं, आपने ये देखा कि किस तरह के प्रोडक्शन और सेल्स नंबर आ रहे हैं ऑटो कंपनीज़ की तरफ से, भले वो 2-व्हीलर हो भले वो 4-व्हीलर हो। दूसरा, कच्चा तेल जो कि लगातार गिरते जा रहा है, 40-42 के आसपास से ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है ना, उसके ऊपर $1-2 जाता है, उसके नीचे $1-2 जाता है, उससे ज़्यादा आगे ऊपर नीचे जा नहीं रहा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो कच्चे तेल का वैसे भी नेगेटिव है। इन कंपनीज़ के लिए, कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज़ के लिए कच्चा तेल वैसे भी रॉ मटेरियल होता है और जिस तरीके से गाड़ियाँ बिक रही है उससे आप यह अंदाजा लगाइए कि हर गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं तेल तो डालना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। तो उसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, एटलीस्ट अगले 6 महीने में, आपको कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज जो है उनमें अच्छा खासा रुझान देखने मिल सकता है। एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पे आपको नंबर जो है अच्छे देखने मिलेंगे और इनफैक्ट अगले हफ्ते इस कंपनी के नंबर जो है वो आने भी वाले हैं। स्पेस में ये लीडर है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है, मुझे लगता है आपको अभी से पोजीशन बनाने चाहिए। 111-110 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, अगले 6 महीनों में 150 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं, यानी कि अच्छे खासे 30-40% के आसपास के रिटर्न जो है आपको ये काउंटर अगले 6 महीनों में दिला सकता है। अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा काउंटर है। अब बात करते हैं खबरों वाले स्टॉक में, जहाँ खबरें हैं और जहाँ आपको अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। तो देखिए कुशल, खबरों के चलते एक स्टॉक जो आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा वो है अंबुजा सीमेंट। नतीजे तो काफ़ी बेहतर आए हैं कंपनी के मार्जिन देखिए 16.7% से बढ़ के करीब करीब 24% के आसपास आए, मुनाफा 88% बढ़ा है। 400 करोड़ का अनुमान तो हमको वैसे भी था, 440 करोड़ पे मुनाफा आया है। तो ये सब दिखा रहा है कि कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज आया है ना कुशल, वो है डिविडेंड का, ₹17 डिविडेंड। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला था। पिछले आप 5 साल का डिविडेंड का टोटल कर लीजिए तो ₹17 नहीं होता, और इनफैक्ट ₹17 डिविडेंड देके इस कंपनी ने पूरी तरह से लोगों को चौंका दिया है। आप डिविडेंड यील्ड निकाल के देख लीजिए, 8-1% के आसपास की तो डिविडेंड यील्ड निकल के आती है, यानी कि किसी FD में पैसा डालने की जगह अगर आप इस काउंटर में इन लेवल पे पैसा डाल भी देंगे तो आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतर यहाँ मिलते हुए दिखाई दे सकती है। इसके लिए डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए,
17 रुपए का डिविडेंड काबिले तारीफ है, उसके चलते आज स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। इंट्राडे के लिए खरीदारी करके चलिए, 264 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में ये काउंटर दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल कि नतीजे आने के बाद स्टॉक में गिरावट हो रही है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 249 का लगाना है, यानी कि 5-6 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है और करीब करीब 10 रुपए के आसपास का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल वरुण, तो खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का। आपने कोचिन शिपयार्ड लिया था कैश स्पेस में और वहां पर आपने यही कहा था कि जो दिग्गज निवेशक है राधाकिशन दमानी जी, उन्होंने ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर जो है कोचिन शिपयार्ड में खरीदते हुए नजर आए हैं। तो ये जो स्पेस है आज ये एक बजवर्ड बनता हुआ नजर आएगा मुझे लग रहा है, शिप बिल्डिंग स्पेस, और इसी लिहाज से मैंने ये जो खबर आती हुई दिखी है कोचिन शिपयार्ड के लिए, उसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन आपको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिए, 190 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है माय चॉइस की, वरुण। और माय चॉइस में मेरा जो पहला स्टॉक है वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का। इनफैक्ट हमने आपको इसको मालामाल वीकली में भी बताया था और जो नंबर्स आए हैं बहुत ही बेहतरीन साइड पर आते दिखे। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 114% का जंप हमें देखने को मिला है, साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 107% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की मार्जिन और कंपनी के जो मुनाफा जो है वहां पर काफी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है, और इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज इस स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 85 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 79 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। नतीजों के लिहाज से ही मैंने एक और स्टॉक चुना है, वो है प्राइकॉल का। यहां पर भी नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इनका कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है, और साथ ही कंपनी की अगर आप मुनाफा देखें, इनफैक्ट 12 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बारी जो है कंपनी मुनाफे में आती हुई नजर आई है। तो कंपेटिवली अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही बेहतरीन इसके भी आते हुए दिखे हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के साथ साथ प्राइकॉल भी आज चलता हुआ नजर आएगा। तो 58 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 53 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट यहां पर तीसरा स्टॉक भी मैंने नतीजों के आधार पर ही चुना है और यहां पर भी बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। फार्मा काउंटर है और वो है एलेम्बिक फार्मा का। आप देखिए ओवरऑल इनका जो मार्जिन है वो 28% से बढ़कर 30% होता हुआ दिखा है, और साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी 28% तक की बढ़त हमें देखने को मिली है, और मुनाफा 30% बढ़कर जो है कंपनी का 325 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। तो नेट नेट सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो एलेम्बिक फार्मा में एक शार्प अपराइज आज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके नतीजे जो है काफी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। तो 1040 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, 995 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। माई चॉइस में मैंने 2 पेपर स्टॉक्स लिए हैं, क्योंकि पुदुम जी पेपर के जो नंबर्स आए हैं वो काफी बेहतर है, इसके चलते आज पूरा पेपर स्पेस जो है वो काफी एक्शन में रहने वाला है। जेके पेपर यहाँ खरीदारी करके चलिए, 96 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं, 91 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा है हुहु तमाकी पीपीएल, जिसको आप पहले पेपर प्रोडक्ट्स के नाम पे जानते थे, आज इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। तो ये जो ट्रेड होगा ना बेसिकली नतीजों के पहले का ट्रेड होगा, नतीजे आने के बाद आप चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। नतीजों के पहले 310 के आसपास का लेवल जो है आज ये काउंटर आपको दिखा सकता है, 294 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 299 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इंट्राडे में इस लेवल को एक स्टॉक ट्रेड अपवर्ड मूवमेंट पे तोड़ेगा और 310 के आसपास जा सकता है। आखिरी स्टॉक जो है वो है वेस्टर्न कॉर्प का, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे विस्डम ट्री एमर्जिंग मार्केट फंड ने 21.5 लाख शेयर जो है 115 के भाव पे खरीदे हैं। तो मैं आपसे लगातार एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी फंड्स खरीदारी करते हैं तो लंबी रेस के लिए करते हैं, मेरे ख्याल से उसका इंपैक्ट जो है आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। इसके लिए 121 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, जिस भाव पे इस फंड ने खरीदे हैं उस पर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 115 का स्टॉप लॉस रखेगा, 121 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। तो चलिए हमारी टीम जो है वो पूरी हो चुकी है, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज हमने चुने हैं। तो सबसे पहले कैश का जो काउंटर मुझे पसंद है वो है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ राधाकिशन दमानी ने खरीदारी की है 7 लाख शेयर्स की, उसका इंपैक्ट इंट्राडे में देखने मिलेगा, 372 का लक्ष्य इंट्राडे में आपको देखने मिल सकता है। टाटा स्टील यहाँ खरीदारी करके चलिए फ्यूचर्स में, 425 के लक्ष्य के लिए। टाइटन का 1220 का पुट खरीदिएगा 28 के लक्ष्य के लिए, 23 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिक्वारी करिएगा, टेक्निकली वीक लगता है, 1320 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले मोमेंटम देखने मिल सकता है, 2220 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। कैस्ट्रॉल इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा लगता है, अगले हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं, कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है और साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में जिस तरह का अपटेक देखने मिल रहा है उसका फायदा मिलेगा, 6 महीनों में 150 का लक्ष्य आपको दिखा सकता है। अंबुजा सीमेंट नतीजे तो अच्छे थे, साथ ही साथ डिविडेंड बड़ा सरप्राइज था, उसके चलते इंट्राडे में 264 के लक्ष्य आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं।
पेपर स्टॉक्स आज काफी हरकत में रह सकते हैं, इसके लिए जेके पेपर यहाँ खरीदारी करिएगा 96 के लक्ष्य के लिए। हुतमा की पीपीएल 310 के लिए लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और वेल्समन कॉप यहाँ पे भी फंड के तरफ से बाइंग हो रही है, इसके लिए खरीदारी करके चलिएगा। इंट्राडे में आपको 121 का लक्ष्य देखने मिलेगा। इन स्टॉक्स में से जो मेरा बेस्ट पिक है वो बेसिकली दमानी जी का भी फेवरेट पिक है और वो है कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की है, तो मैं भी उनके साथ ही जाना चाहूँगा। और यहाँ आज आपको इंट्राडे में अच्छा खासा अपटेक देखने मिल सकता है। 372 के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे में इस कॉन्ट्रैक्ट को प्ले कर सकते हैं। कैश बेस में आपको जो खरीद कर चलना है आज वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। देखिए पुदुम जी, पेपर के जो नंबर आए थे उस लिहाज से यहाँ पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही पीवीआर कल भी ये काउंटर कमजोर था और मुझे लग रहा है टेक्निकली आज भी ये काउंटर कमजोर रह सकता है। और जिस हिसाब से ग्लोबली अगर आप कोविड के केसेस देखे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी स्टॉक पर आपको आज आता हुआ दिख सकता है। साथ ही आपको बायोकॉन के पुट ऑप्शन को खरीद कर चलना है, अनुमान से कमजोर नंबर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक चार्ट वाइज काफी कमजोर दिख रहा है, कल दिन के लो पॉइंट पर यह बंद होता नजर आया है, तो यहां पर भी आज बिकवाली का ट्रेंड जारी रह सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इनफैक्ट इसके अगले हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं। और एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स आए थे उस लिहाज से यहां पर भी एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से जो आपको खरीद कर चलना है वो है पेज इंडस्ट्रीज। आप देखिए जिस हिसाब से ग्लोबली कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिटनेस को लेकर अब पब्लिक में जागरूकता बढ़ रही है और इनका जो एथलेटिक वेयर सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सेल्स वाइज आपको काफी बेहतरीन नंबर्स अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कोचिन शिपयार्ड में जिस हिसाब से राधाकृष्ण दमानी जी ने खरीदारी की है, तो न्यूज इंपैक्ट के लिहाज से मैंने इसी स्पेस का गार्डन रिच शिप बिल्डर चुना है, तो खरीदारी इसमें भी कर चले। और नतीजों के लिहाज से आपको 3 स्टॉक्स मैंने माई चॉइस में दिए हैं जहां पर बेहतरीन नंबर आते हुए दिखे हैं, जिसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, प्राइकॉल और ओलंपिक फार्मा शामिल है। और इन सब में सबसे बेस्ट पिक जो मेरा है आज के लिए वो है पेज इंडस्ट्रीज का। 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट जो 52 वीक हाई है वो ये रीच करता हुआ नजर आ सकता है, तो 26,000 का टारगेट आपको इसमें बनाकर चलना है।